ओरिजिनल शो जो है वो 11 तारीख से सोनी टीवी पे आएगा, फ्राइडे सैटरडे संडे 9 बजे रात को। मुंबई शहर में जितने भी बहुत ही मशहूर जो मुठभेड़ हुए हैं पुलिस के और गैंगस्टर के, उनके बारे में है, तो हर सप्ताह में आपको हम एक मुठभेड़ के बारे में बताएंगे, उससे जुड़े लोगों का इतिहास बताएंगे और उसको बहुत ही जिसे कहें रोचक ढंग से आपके सामने लेके आने जा रहे हैं। इसे बहुत सिंपलीफाई करके बताऊं तो फिल्मों का मज़ा टीवी में देने जा रहे हैं। मेरा काम है एक एंकर का इस टेलीविजन शो में, एक नए तरीके से कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि एंकरिंग के पूरे इस तरीके को आपके सामने लेके आए। हमारे किसी जर्नलिस्ट दोस्त ने कहा कि दादी माँ के जिस तरह से कहानी सुनाती थी उस तरीके से हम आपको उसी ईज के साथ उसी आराम पूर्वक जो है सारा दृश्य आपकी आंखों के सामने मैं लेके आ जाऊं, इसी तरीके की एंकरिंग की कोशिश की है। देखिए मैं कितना सफल होता हूँ। मेरी फिल्में जो हैं वो दो पोस्ट प्रोडक्शन में हैं, ट्रैफिक जो कि एंडमॉल कंपनी ने जैसे किया और राजेश पिल्लई उसके निर्देशक हैं। बहुत ही कमाल की फिल्म बनी है, इससे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक सोशल थ्रिलर है। फिल्म जब शुरू होगी और कब ख़त्म होगी इसकी गारंटी देता हूँ आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। दूसरी फिल्म है सात उचल के, नीरज पांडे जी की जो प्रोडक्शन कंपनी है फ्राइडे फिल्मवर्क्स उसने बनाई है और डायरेक्टर हैं संजीव शर्मा। चांदनी चौक का एक उचक्का है जो एक लड़की से शादी करना चाहता है और कई सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं उसको अपनी ज़िंदगी में। बहुत ही ह्यूमरस फिल्म है, इस तरह की ज़िंदगी आप पहली बार पर्दे पर देखेंगे। तीसरी फिल्म है देवर जिसकी शूटिंग कर रहा हूँ, मेरे साथ हैं अर्जुन कपूर और सोनाक्षी सिन्हा और इसके प्रोड्यूसर हैं संजय कपूर जो कि बोनी कपूर जी के भाई हैं और अनिल कपूर के भाई हैं और संजय कपूर बहुत ही फेमस स्टार भी रहे हैं। तो फिल्म कंप्लीट हो जाए तब उस पर बात करेंगे। और चौथी फिल्म है जो मैं को प्रोड्यूस कर रहा हूँ नीरज पांडे जी के साथ, उसकी शूटिंग के लिए मॉरिशस जा रहे हैं हम लोग, मैं तब्बू और अनुपम। इतना कहना चाहूँगा कि जब भी चुनाव के दिन आते हैं जिम्मेदारी नेता से ज़्यादा नागरिक पे बढ़ जाती है। अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ऐसा उम्मीदवार चुनिए जिसकी छवि एक अपराधी की नहीं हो, एक ऐसा उम्मीदवार चुनिए जिसकी छवि भ्रष्ट नहीं हो, एक ऐसा उम्मीदवार चुनिए जो 5 साल में बार बार आपके पास आता रहे, एक ऐसा उम्मीदवार चुनिए जिसके पास आप जा सकें अपनी समस्याओं को लेकर के, एक ऐसा उम्मीदवार चुनिए जो 5 साल तक आपकी समस्याओं को संसद में उठाता रहे। एनकाउंटर शो मुंबई शहर के में जितने भी फेमस मुठभेड़ हुए हैं वो उन पे एक कहानी रची है हमने, वो फ्राइडे सैटरडे संडे को आएगी 11 अप्रैल से 9 बजे रात को। इसे देखना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि ये शो आपके होश उड़ा देगा। बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।